अभी तक आपने वर्डप्रेस की डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ को ट्राई किया, और फंक्शनैलिटीज़ के अलावा व्हाट वी हैव ट्राई टू डू इज़ कि हमने आपको वर्डप्रेस के डिफरेंट प्लगइन्स का एक इंट्रोडक्शन दिया, और साथ ही साथ हमने उन डिफरेंट प्लगइन्स को आपको ट्राई कराया। वर्डप्रेस का ये जो जर्नी है, इट्स फुल ऑफ लर्निंग। इस वर्डप्रेस की जर्नी में जितना ज़्यादा चीज़ों को आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, जितनी ज़्यादा चीज़ों को आप ट्राई करेंगे, उतने आप ज़्यादा एक्सपर्ट बन सकेंगे। वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई गेट आस्क्ड अ लॉट इज़ के मैं अपने आप को वर्डप्रेस का क्या एक्सपर्ट कहूँ, क्या मैं अपने आप को वर्डप्रेस का डेवलपर कहूँ, क्या मैं अपने आप को वर्डप्रेस का डिज़ाइनर कहूँ, आखिर व्हाट यू शुड कॉल योरसेल्फ एज व्हेन इट कम्स टू वर्डप्रेस। और इसका बड़ा एक सिंपल सा जवाब है कि आप देखें एंड ट्राई टू फोकस ऑन दोज फीचर्स ऑफ वर्डप्रेस विच मेक यू स्टैंड आउट इन द क्राउड। सो यू कुड बी अ वर्डप्रेस थीम एक्सपर्ट, यू कुड बी अ वर्डप्रेस प्लगइन एक्सपर्ट, यू कुड बी अ वर्डप्रेस सॉल्यूशन एक्सपर्ट, बट ट्राई टू डिग डीपर और तेजी से और ज़रा अंडरस्टैंड करें इसको कि क्या आप वर्डप्रेस में ऐसा कर सकते हैं जो कोई और नहीं कर सकता। तो वन ऑफ द अपकमिंग फील्ड्स इन वर्डप्रेस इज वर्डप्रेस थीम स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। क्या आप वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं विच इज़ रियली रियली फास्ट? इसकी एक डिमांड है मार्केट में। क्या आप लोगों को उनके प्लगइन्स को कस्टमाइज करने में हेल्प कर सकते हैं? इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। सो आपने अपने लिहाज से देखना है कि व्हाट इज़ दैट एरिया विच रियली मेक्स यू स्टैंड आउट व्हेन इट कम्स टू वर्डप्रेस, एंड यू हैव टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ एज एन एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे फॉर्म्स का कि फॉर्म्स आखिर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और फॉर्म्स को यूज़ करते हुए कैसे आप डेटा कैप्चर कर सकते हैं, और फॉर्म्स की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ती है, और फॉर्म्स के लिए कौन से प्लगइन्स हैं जो सही हैं। सो वी विल डिस्कस फॉर्म्स, बट बिफोर वी डिस्कस फॉर्म्स लेट्स ट्राई टू सी व्हाट आर फॉर्म्स। आपने देखा होगा इंटरनेट पे जब भी आप कहीं साइन अप करने लगते हैं तो आपको एक फॉर्म नज़र आता है। इनफैक्ट आप में से काफ़ी लोगों ने जब अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट सेटअप की होगी तो होस्टिंग के साथ आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ा होगा। फॉर्म इज यूजुअली अ सेट ऑफ फील्ड्स विच आस्क्स यू फॉर डेटा। वो डेटा क्या है? वो डेटा हो सकता है नाम, सो इट कुड बी फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इट कुड बी डेटा लाइक ईमेल, इट कुड बी डेटा लाइक फोन नंबर, इट कुड बी डेटा लाइक एड्रेस, इट कुड बी एनी डेटा विच इज वेरी वेरी यूजफुल टू द पर्सन हुज ट्राइंग टू कैप्चर दैट डेटा। इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, जब आपने djskills.pk पे साइन अप किया तो आपने फिल आउट किया एक फॉर्म। दैट फॉर्म अलाउज djskills.pk टू कैप्चर डेटा अबाउट यू। और डेटा कैप्चर करना क्यों ज़रूरी है? डेटा कैप्चर करने के काफ़ी रीजंस हो सकते हैं। डेटा कैप्चर आप इसलिए करते हैं बिकॉज यू वॉन्ट टू प्रोवाइड बेटर सर्विस टू योर कस्टमर्स। डेटा आप इसलिए कैप्चर करते हैं क्योंकि आप अपने यूजर्स को एक न्यूज़लेटर सेंड करना चाह रहे हैं, या आप डेटा इसलिए कैप्चर करते हैं बिकॉज यू वॉन्ट टू कैप्चर योर यूजर्स एज लीड्स एंड लेटर ऑन यू वॉन्ट टू सेंड अ प्रमोशन और एन ऑफर टू दोज यूजर्स। सो काफ़ी रीजन्स हैं डेटा कैप्चर करने के, और डेटा कैप्चर करने का जो तरीका है उसको हम कहते हैं फॉर्म्स। सो फॉर्म्स में यू हैव अ सेट ऑफ फील्ड्स एज आई जस्ट टोल्ड यू, एंड इन दो सेट ऑफ फील्ड्स यू कैन कैप्चर डेटा। तो जिस तरह जनरल फॉर्म्स में आप ये कर सकते हैं, थैंक्स टू वर्डप्रेस यू कैन डू दिस वेरी सिंपली यूजिंग डिफरेंट प्लगइन्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस विद यू। उसमें से एक प्लगइन है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लगइन्स आउट देयर व्हेन इट कम्स टू कैप्चरिंग डेटा और कैप्चरिंग एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। द अदर प्लगइन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कॉल्ड
WP Forms. ये दोनों plugins आपको WordPress में डेटा कैप्चर करने के लिए हेल्प करेंगे. एंड बीइंग अ WordPress एक्सपर्ट, बीइंग अ WordPress डेवलपर, बीइंग अ WordPress डिजाइनर, वन ऑफ द वेरी क्रिटिकल थिंग्स इज टू सी के हाउ यू आर गोइंग टू कैप्चर द डेटा ऑफ यूजर्स हु आर कमिंग टू योर वेबसाइट. बिकॉज जब आप उनकी इंफॉर्मेशन कैप्चर करेंगे तो आप उन्हें प्रमोशंस बाद में सेंड कर सकते हैं, तो बाद में आप उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. सो कैप्चरिंग डेटा थ्रू फॉर्म्स इज वेरी वेरी क्रूशल. इससे पहले कि हम इसके एक लाइव सेशन में जाएं ताकि आपको हम ये सिखाएं कि कैसे आप फॉर्म इंस्टॉल कर सकते हैं, बना सकते हैं, देर आर सम थीम्स विच हैव बिल्ट इन फॉर्म्स. सो थीम्स लाइक डीवी, थीम्स लाइक एलिमेंटर, ये वो थीम्स हैं जिनके साथ एक बिल्डर ऑटोमेटिकली आता है विद इन द थीम एज वेल. तो मेक श्योर कि आप ये फॉर्म सिर्फ तब इंस्टॉल करें अगर आपकी थीम या आपके प्लगइन में बिल्ट इन फॉर्म्स इंस्टॉल्ड नहीं है. तो वेरी सिंपल एग्जांपल इज अ थीम लाइक डीवी. आप में से काफ़ी लोगों ने अपने इस सफ़र में डीवी अभी तक ट्राई की होगी. तो डीवी जो कि एक थीम है, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव थीम है, डीवी कम्स इन विद अ बिल्ट इन फॉर्म. सो आपको अलग से कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज डीवी फॉर्म्स ऑफर यू एन एबिलिटी टू इंटीग्रेट फॉर्म्स डायरेक्टली विद इन योर वेबसाइट विदाउट यूजिंग एन एक्सटर्नल प्लगइन. तो ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड था. फॉर्म्स अगर आपके थीम में ऑलरेडी अवेलेबल हैं तो आपको एक्सटर्नली अलग से फॉर्म इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है थ्रू प्लगइन्स. बट वी वॉन्ट यू टू ट्राई आउट कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 एंड WP फॉर्म्स, विच इज़ वाई वी गोइंग टू टेक यू लाइव एंड गिव यू a live demonstration of how to use forms on your WordPress website. We'll go to vidsart.com and we'll try to log in. We'll go to /wp-admin. Aur yahan pe I can see the back end of WordPress. Aur aapko isme kafi areas jo hain wo kafi familiar nazar aa rahe honge. We'll go to the plugin side and we'll try to add a new plugin. Contact form 7 ko hum install karenge. और यहाँ पे एक इशू आपको जिस तरह नज़र आ रहा है, ये काफ़ी दफ़ा होगा, इवन दो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 इज़ दी मोस्ट पॉपुलर प्लगइन आउट देयर, आपको नज़र आ रहा होगा कि वो इस वक्त कह रहा है इनकम्पैटिबल विद योर वर्जन ऑफ वर्डप्रेस. और इसकी काफ़ी रीजंस हो सकती हैं कि जो वर्डप्रेस का वर्जन है वो काफ़ी अपडेट हो गया हो बट आपने ना अपडेट किया हो, प्लगइन आपका जो है वो इतना अपडेट ना हुआ हो. सो देयर आर वेरी रीजंस. विल स्टिल गो अहेड एंड इंस्टॉल दिस एंड साथ ही साथ विल इंस्टॉल the WP Forms plugin as well. So यहाँ पर हमारे पास WP Form है. Issues का भी वो यही कह रहा है कि incompatible with your version of WordPress. और इसकी काफ़ी reasons हो सकती हैं. इसकी reason ये भी हो सकती है कि मैंने चूँकि अपनी WordPress की site को update नहीं किया हुआ, इसीलिए वो मुझे incompatible दिखा रहा है. But the point is, and I'm just going to give you a background, कि आप जाके एक form बना सकते हैं और आप उसको अगर दिखाना चाहें तो आप दिखा सकते हैं. सो ये जिस तरह कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 प्लगइन का आपको बैकएंड जो है वो नज़र आ रहा है, इसमें यू हैव द ऑप्शन टू क्रिएट एंड एडिट योर ओन फॉर्म. सो वी कैन गो टू कॉन्टैक्ट फॉर्म एंड आई कैन एडिट इट. यहाँ पे डिफरेंट फील्ड्स हैं और मैं देखता हूँ कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा. वैसे ये नहीं चलेगा बिकॉज वो उधर मुझे लिखा हुआ भी आ रहा है कि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 रिक्वायर्स वर्डप्रेस 4.9 और हायर. और मेरा जो इस वक्त वर्डप्रेस का साइट है वो इतनी अपडेट नहीं हुई हुई. बट वट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम स्टिल गोइंग टू ट्राई एंड सी इफ इट वर्क्स और नॉट. सो ये एक सिंपल प्लगइन है जिसको आप ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यू नो किस तरह दिस प्लगइन कैन ऐड वैल्यू टू योर वेबसाइट. एंड इस तरह के फॉर्म्स के प्लगइन्स और भी हैं, उनको भी देखते रहें, देखें कि वो आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं एंड ट्राई टू सी हाउ यू कैन कैप्चर डेटा. So forms can be used to capture data from customers, forms can be used to create a contact form, forms can be used to create any kind of an interface which is between you and your users. Forms ko please use karte rahe aur dekhte rahe ki forms ko aap kaise apni WordPress website mein integrate kar sakte hain. And is tarah ke bahut sare aur bhi plugins hain jinko aap try kar sakte hain. And keep trying new plugins as we keep introducing you to new plugins throughout this course.